दुमका के मसलिया में कहीं पीने का साफ पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो कहीं लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मसलिया के गुमरो पारबाद गांव में चापाकल से लगातार पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुखिया और पंचायत सचिव 14वीं वित्त आयोग की राशि को मिल बांट कर खा गए, जिसकी वजह से पानी टंकी नहीं बन पाया और लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। चापाकल के बारे में मुखिया पंचायत सचिव को कई बार बोला गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक टंकी अगर बन जाता है यहाँ तो कितना काफ़ी खूबसूरत हो जाता, और यहाँ गंदगी जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है इसके कारण, काहे कि पानी बह रहा है कंटिन्यू और नली में जाम हो जाता है और पानी रोड तरफ निकलने जाता है। ये गांव के मैंने मैंने बहुत ही मैंने एकदम उपयुक्त जगह है, लेकिन इसके बारे में हर जगह हर मैंने ये बताया गया, मैंने मुखिया को पंचायत सचिव को भी बोला गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 14वां वित्त आयोग से ही अगर एकदम बन जाता, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसको बनाना चाहिए। ये जल इतना जो बर्बाद हो रहा है, इस जल को संरक्षण कर इस जल को उचित व्यवस्था।